वहां नासिक महाराष्ट्र, प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी की सरकार है दोनों प्रदेशों में, राहुल देव जी बोल रहे पूरे देश में ऐसी सिचुएशन है, लेकिन ये स्कूल के बच्चों की लड़ाई दंगे में बदल जाए, आगजनी हो जाए, चाकूबाजी हो जाए, किसी की मौत हो जाए और हिंदू मुसलमान के दंगा टाइप सिचुएशन हो जाए, ये क्या हो रहा है प्रेम शुक्ला जी? देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखिए, एक कौम विशेष के साथ संकट है ये। मुंबई में पहला दंगा आपको ऐश्वर्या जी पता क्यों हुआ था? क्योंकि एक पारसी का कुत्ता मस्जिद में चला गया था, इसलिए दंगा हो गया। तो कुछ लोग जो हैं, अब जो है नासिक में, अगर बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के उत्पीड़न पर सकल हिंदू समाज अगर प्रदर्शन करता है, तो सकल हिंदू समाज के प्रदर्शन पर पत्थर मारने के लिए वाले जो हैं वो कौन है? क्यों पत्थर मार रहे हैं? चलिए, भारत में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, सबको अभी भाटी जी और शेष लोग उसको दोष दे देंगे। लंदन में कौन है भाई भारतीय जनता पार्टी का? लंदन में कौन है संघ वाला? लंदन में कौन है विश्व हिंदू परिषद वाला? फ्रांस में क्यों हो रहा है दंगा, ये बताइए। जर्मनी क्यों आप जल रहा है? सारा यूरोप जो है किसकी कौमी आग में जल रहा है? बांग्लादेश में क्यों हिंदुओं को निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है? क्यों मंदिरों को आग लगाई जा रही है? बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वो हमले कर रहे थे, बांग्लादेश के हिंदू जो हैं वो किसी को जो है चोट पहुंचा रहे थे, बांग्लादेश के हिंदू किसी के हितों पर प्रहार कर रहे थे क्या? एक हिंदू महिला जो लगातार मुस्लिम समाज की महिलाओं के विकास के लिए अपने एनजीओ के माध्यम से काम करती थी, उसको उन्हीं महिलाओं ने निर्वस्त्र करके सड़क पर घसीटा और समाज विशेष के पुरुषों से बलात्कार करवाया। कौन दोषी है भाई इसके लिए? ये एक मानसिकता है कि काफिरों को खत्म कर देंगे। ये जो मानसिकता है ना, ये बहुत घातक है। संयम बहुत आवश्यक है समाज में, लेकिन यह घातक है कि हिंदुओं की अगर नवरात्रि में जुलूस निकलेगी तो हमला कर देंगे, गणेशोत्सव निकलेगा हमला कर देंगे, हनुमान जयंती होगी हमला कर देंगे, सरस्वती पूजा होगी हमला कर देंगे। आपने कभी देखा हिंदुओं ने मुहर्रम के किसी जुलूस पर हमला किया है? हाँ, शिया का जुलूस निकलता है, सुन्नी हमला करता है, लेकिन हिंदुओं ने कहीं हमला किया? सुना कहीं पथराव हुआ? हिंदू अगर जो है बांग्लादेश के मामले पे प्रदर्शन करेंगे तो पथराव होगा। क्या कारण है भाई, क्या पीड़ा है? अगर हिंदुओं का जवाब ले रहा हूं, नरसंहार हो रहा है, मेरे को लगता है इसमें सारी पॉलिटिकल क्लास को एक साथ आना चाहिए। कहीं मोर्चा निकला हो, हिंदुओं ने हमला किया हो, बताइए एक जगह। पॉइंट टेकन प्रेम शुक्ला से क्या लेन देन है? वो आपका व्यू पॉइंट है। लेकिन फिलिस्तीन का कहीं मोर्चा निकला हो, ओके प्रेम दादा, पथराव किया हो, ओके प्रेम दिखाइए। ओके भाटी जी, मेरे को हटाइए, छोटा कीजिए। भाटी जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। बच्चों की लड़ाई अगर दंगे में बदल जाए, सो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न ये पूरे समाज के लिए। ये सिर्फ उदयपुर सिटी या राजस्थान नहीं, ये पूरे देश के लिए एक चिंताजनक बात है कि अगर स्कूल के दो बच्चों की लड़ाई, सोचिए सबके घरों में बच्चे हैं या नहीं, तो आप जानते होंगे बच्चे स्कूल जाते, लड़ाई होती है, बहस होती है, गुत्थम गुत्था भी होती है, हाथापाई भी होती है, हाथ पैर भी चलते हैं भाटी जी, या आप जानते हैं, आपके साथ जब आप बचपन में होगा अगली जनरेशन के साथ, मेरे साथ होता है, मेरी अगली जनरेशन के साथ होता है, लेकिन दंगे तो नहीं हो जाते और हिंदू मुस्लिम का रंग ले ले वो, ये क्या हो रहा है? देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपल ही रॉन्ग देयर। जो आखिरी वाक्य बोला वो इसका सॉल्यूशन है कि इसे सभी राजनीतिक दलों को इसकी चिंता होनी चाहिए और सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये देश के शांति का, सद्भाव का, देश के विकास का मसला है। जो राहुल देव जी ने चिंता व्यक्त की, उस चिंता से मैं अपने आप को जोड़ते हुए पूरे भारतीय समाज को, पूरे राष्ट्र को चिंतित होना चाहिए कि देश में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। जरा जरा सी बात पे आपस में झगड़े, फसाद, दंगे क्यों हो जाते हैं? अब इस आपके पैनल में अभी प्रेम शुक्ला जी ने जो बोला, एक भी शब्द शांति और सद्भाव का नहीं है, नफरत का और उकसावे के शब्द बोले हैं सारे। बांग्लादेश में समस्या चल रही है, वो बांग्लादेश की अंदरूनी समस्या है, अपनी समस्या है, उस पर उन्होंने कंट्रोल भी किया काफ़ी हद तक। हम बांग्लादेश की समस्या को लेकर अपने देश में झगड़ा करा रहे हैं, अपने देश में तनाव बढ़ा रहे हैं, अपने देश के नागरिकों को आपस में लड़ा रहे हैं। बांग्लादेश के अगर हिंदुओं की आपको चिंता है तो बांग्लादेश सरकार से बात करिए, वहाँ स्वयंसेवक भेजिए, वहाँ कोई सहायता भेजिए। यहाँ जुलूस निकालने से और अपने देश के अल्पसंख्यक को गाली देने से बांग्लादेश की समस्या कैसे हल हो जाएगी? लगातार सोशल मीडिया पर इतने नफरत भरे पोस्ट किए जा रहे हैं लगातार, यहाँ हमें उन वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अपने देश के अल्पसंख्यकों को गाली दे रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ऐश्वर्या जी ये कहना चाहता हूँ कि देश, जैसा कि राहुल देव जी ने कहा कि देश बारूद के ढेर पर बैठा है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी इस बारूद को शांत करने की है, वो इस बारूद पर पानी डालने के बजाय इसमें चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है सरकार की, शांति सद्भाव की,
मुझे बांग्लादेश की घटनाओं पे वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने जो बयान दिया मुझे इतना अच्छा लगा, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा। वो पहले मंदिर में गए जो वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है ढाका का, और उन्होंने ये कहा कि या तो अल्पसंख्यकों पर हमले बंद कर दीजिए, शांति करिए, वरना मैं ये पद छोड़ के चला जाऊँगा। अगर हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर हमले होंगे, हिंसा होगी, तो मैं ये पद छोड़ दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी कोई ऐसा बयान दिया है कि हमारे अल्पसंख्यकों को गाली गलौज मत कीजिए, उन्हें अपमानित मत कीजिए, उन्हें आरोपित मत कीजिए, उनके ऊपर हमले मत कीजिए? वो तो खुद उकसाते हैं। खैर, फिर वो राजनीतिक बात हो जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह प्रेम शुक्ला जी ने शुरुआत की और आरोपित किया दूसरे पक्ष को, ऐसी भावना ना रख के, आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है, आपको सद्भाव की, प्रेम की। कल लाल किले की प्राचीर से माननीय मोदी जी कह रहे थे 2047 तक विकसित भारत बनाना है। सबको एक साथ रोजाना आपस में लड़ते रहेंगे, बच्चों की लड़ाई को दंगे का रूप दे देंगे। नहीं, तो ये दे दिया, बन पाएगा नहीं, ऐसा। अब आप ये बीजेपी भी क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कर दिया बीजेपी को, इसलिए कि बीजेपी की सरकार है सबसे पहले। हाँ, ये आप बोल सकते हैं, सरकार जिम्मेदारी उनकी। सद्भाव की, प्रेम की बात तो करें, एकता की बात तो करें। ओके, ये खुद उकसाने की बात। क्विक इंटरजेक्शन, प्रेम जी क्विक काउंटर, फिर मैं रत्नाकर जी के पास आ रहा हूँ। राहुल देव जी, विजय जी आ रहा हूँ। सद्भाव की बात यह होती है कि मुजफ्फरनगर में दंगा होता है और आजम खान बैठकर दंगाइयों को छुड़ाते हैं, और मुजफ्फरनगर में सिर्फ मुसलमानों को जो है आप राहत पहुंचाते हैं, हिंदुओं को राहत नहीं पहुंचाई जाती है। ये सद्भावना का तरीका है, ये सद्भावना का तरीका है कि हिंदू जो है यहाँ पर, बांग्लादेश जो विदेश हो गया और गाजा इनका देश हो गया। गाजा में फिलिस्तीन के झंडे लेके लोग निकले, गाजा के सपोर्ट में अखिलेश यादव को पीड़ा हो, और गाजा के सपोर्ट में तालिबान बनाने की धमकी, तालिबान का नीति अपनाने की धमकियां दी जाए, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, ये तो बाहरी मामला है जी, इसमें क्यों पीड़ा हो रहा है? फिर गाजा पर क्यों चिल्लाते हैं? फिर फिलिस्तीन पर क्यों चिल्लाते हैं? फिर अफगानिस्तान पर जब अमेरिका बम बरसाता है तो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग पेप्सी और थम्सअप का बहिष्कार करने की बातें करते थे, याद है मुझे? अबू हाशिम आदमी क्या क्या हरकतें कर रहे थे। तो इनको जो है हिंदुओं की हत्याएं हो जाए, नरसंहार कर दिया जाए, लेकिन शांति और सद्भाव की हमने बात करनी चाहिए, निश्चित करनी चाहिए दोनों पक्षों से। जब शांति और सद्भाव की बात होगी तभी सद्भाव होगा। सद्भाव के लिए दोनों पक्षों को समान रूप से एक जगह आना होगा जी। दोनों को इस तरह की समस्याओं का समाधान करना होगा। ये तुष्टिकरण वाले जो लोग हैं जी, ये एक कौम विशेष के लोगों को उकसा कर, ये बात मैं मान रहा हूँ, शुरुआत आपको करनी होगी। त्रिपाठी जी, ऑल्सो राहुल जी आ रहा हूँ। राहुल जी, स्माइलिंग को गाली देना बंद कीजिए। रत्नाकर जी देखिए, आप और मैं कई बार मजाक करते हैं, आप मेरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन ये टेंशन की बात है। टेंशन की बात इसलिए, बच्चों की लड़ाई अगर दंगे में बदल जाए, गाड़ियां जल जाए, चाकू छुरी चल जाए, तो बात कुछ और है। लोकल जब गुंडा एलिमेंट होता है तो चाकू छुरी तक रहता है, ये आप सब जानते हैं। ऑन एयर कोई बोलता नहीं, नहीं बोलता, ये मेरे को पता है। ज्यादातर स्कूल की लड़ाई में कॉलेज के बच्चे आ जाते हैं, कॉलेज की लड़ाई में लोकल एरिया के एंटी सोशल एलिमेंट या फिर जो गुंडा एलिमेंट होता है वो आ जाता है। वो चाकू छुरी तक होता है, इससे आगे नहीं। वो मार दे किसी को और वो दंगे में बदल जाए, गाड़ियां जला दे, दिस इज सिस्टम। मतलब ये मतलब ऐसे नहीं हुआ है, ये मतलब ऐसे ही नहीं हो गया है, कोई है इसके पीछे, और ये टेंशन की बात है। त्रिपाठी जी, ईश्वर जी, हाँ ईश्वर जी, इसलिए मैंने डिबेट चेंज किया, माफी चाहता हूँ इसके पीछे। अगर आप सड़कों पे बारूद, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने इसलिए टॉपिक चेंज किया डिबेट का, टॉपिक था जम्मू कश्मीर हरियाणा, लेकिन मैं इस पे आ गया। जी बोलिए। नहीं नहीं, अरे ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देश का माहौल बनता इसके लिए जिम्मेदार है ना। जब सत्तारूढ़ पार्टी देश की सड़कों पर, गलियों में, नालियों में, घरों में बारूद फेंकती रहेगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि किस जगह चिंगारी निकली हो, किस जगह आग लगी हो, किस जगह धमाका हुआ। आप इस बात को मान के चलिए। आप प्रेम शुक्ला जी का स्टेटमेंट देखिए, पूरा स्टेटमेंट देखिए। सद्भाव रखिए, नहीं तो दुर्भाव होगा, सीधी चेतावनी है। उनका अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो लगेगा गोया हर देश का हर मुसलमान निकल के देश के हर हिंदू को पीट रहा है, गाली दे रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। हिंदुओं के जितने जश्न होते हैं उन पे बम फेंके जा रहे हैं। हम तो बनारस में रह रहे हैं, हमने पिछले 35 साल में दंगे नहीं देखे, लेकिन इनका मानना है कि अगर कहीं भी कुछ भी होगा तो वहां पे मुसलमान जो है वो मारपीट करने लगेगा, गोली बारूद चलाएगा। बहुत इनको दर्द है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, आप जेनेसिस समझिए ना। मुझे वहां के हर अल्पसंख्यक से अल्पसंख्यक सहानुभूति है,
क्योंकि वहां हिंदू ही नहीं मारे जा रहे, मुसलमान गलत है। अवामी लीग के कम से कम 700 नेता मारे गए। मुझे बताइए, शेख हसीना भाग आई है, वहां पार्टियों के बीच दंगा चल रहा है जिसे आप हिंदू का नाम दे रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, पार्टियों के बीच का हिंदू अवामी लीग की शेख हसीना के साथ था। देखिए झूठ इनका ये लपकता है, इसलिए उसके खिलाफ पत्रकार कहते हैं। आपने तो दिखाया नहीं ना, राहुल आनंदा जो है ऊपर अवामी लीग के बड़े छात्रों के साथ खड़े थे, उनका घर जला दिया गया, उनकी सड़कों पे घसीट के हत्या कर दी गई। अरे शुक्ला जी चुप रहिए महाराज, क्यों बीच में कूदते हैं आप? मुझे राहुल आनंदा जो है वो छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े थे और हिंदू होने के नाते उनका घर फूंक दिया गया। झूठ बोलने बैठे यहाँ ये जो है आपकी राजनीतिक लंपटता जो है और कोई जानता है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या में किस तरह से हत्यारे का महिमा मंडन करने का कुकर्म कांग्रेस ने किया था, तब से ये श्रृंखला जारी है। रिलैक्स रिलैक्स, इनको चुप कराइए, रिलैक्स। अमरदीप पहुंच गए लोकेशन, 5-10 सेकंड सुनिए। आप बोली, अरे आप झूठ बोलेंगे। राहुल जी आ रहा हूँ, विजय जी आ रहा हूँ, तो चुप कराइए। आप आतंकवादियों जिहादियों के समर्थन में खड़े और इन्हें चुप कराइए, शांति की बात करनी है। आपने कैंसर को मेटास्टेटिस पे पहुंचा दिया है, लाइलाज कर दिया है आपने इस देश की जो एकता कुकर्मी कांग्रेसी। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिलैक्स।